आपके बीच में बहुत सारे जितने भी संदेह हैं आपके मन में परीक्षा को लेकर के आज इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और समझें, क्योंकि हमारे बीच में आ गया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर कर दिया गया आयोग के द्वारा, लेकिन इसमें काफी परीक्षार्थियों को बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। वो मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, कंफ्यूजन होते हैं। आइए मैं मुकेश मौर्य आपके सामने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे कई छात्रों का ये कहना है कि उनका कहना ये होता है कि क्या भाई एग्जाम की डेट बदली है क्या? देखिए अभी तक तो आयोग के द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ है, एग्जाम का डेट जो डिसाइड किया गया है वही एग्जाम का डेट होगा। जैसे टीजीटी 2016 की वैकेंसी जो आई हुई थी उसमें बायोलॉजी का पेपर नहीं हुआ था, तो उसका डेट 31 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया है। और टीजीटी का जो एग्जाम है 2021 वाला वो आपका जो है 7 और 8 अगस्त को डिसाइड किया गया। तो अभी तक तो कोई डेट बदलने की कोई सूचना नहीं है, और अपडेट करने के लिए बराबर आप आयोग के साइट पे कॉन्टेक्ट करते रहिए। अब यहाँ पर रही बात दूसरी, बहुत सारे छात्रों के मन में ये जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है जीएस। जी हाँ दोस्तों, जीएस इसको सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, बहुत खतरनाक, पता नहीं कहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन प्रश्न क्या है इसमें देखने का प्रयास करते हैं, क्या जीएस के प्रश्न भी आएंगे? जी बिल्कुल नहीं, जीएस के प्रश्न टीजीटी पीजीटी आयोग के द्वारा नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड में जो परीक्षा होने वाली है उसमें जीएस के प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन प्रवक्ता या फिर एलटी ग्रेड का एग्जाम होता तो उसमें जीएस पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि उसमें जीएस के प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप ये अपने विषय पे ज्यादा कमांड करिए, जीएस से क्वेश्चन नहीं आने वाले। पर फिर समझ लीजिए, अपने दिमाग में से इसको निकाल दीजिए कि जीएस के प्रश्न इसमें आएंगे। अब आइए, क्या सिर्फ सिलेबस से प्रश्न आएंगे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। तो जी हाँ, केवल सिलेबस जो विषय आपने रखा हुआ है तो उसमें आपके केवल सिलेबस से प्रश्न आएंगे। जैसे कि जीव विज्ञान के छात्र जो है उनके लिए बॉटनी और जूलॉजी, ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% जो आपके जूलॉजी के, 50% बॉटनी के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एक उत्तर उसका सही रहेगा। तो इसमें सिलेबस से ही सारे प्रश्न आएंगे, कहीं बाहर से प्रश्न आने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का बहुत स्मार्टनेस होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने बुक्स पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ लिया तो चैन हो जाएगा। नहीं भाई, बुक और नोट्स तो जरूरी है ही, बुक और नोट्स जरूरी होता है पढ़ना, लेकिन साथ साथ आप अच्छे एक्सपर्ट्स के वीडियोज वगैरह भी देखें, और जो यूट्यूब चैनल्स में आपने सब्सक्रिप्शन किया होगा उसमें भी वीडियोज को देखते रहे, तो उससे क्या, देखने से और पढ़ने से बहुत अंतर होता है। उसमें आप सुनते भी हैं, देखते भी, समझते भी हैं। तो बुक नोट्स तो आप जरूर लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप ऑडियो विजुअल क्लासेस को भी चेंज करिए, या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके वहां अपना डेली प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बुक्स नोट्स को छोड़िए मत, लेकिन इसके साथ कुछ आप एडिशनल चीजें भी कर सकते हैं। तो आइए, जिनका वैक्सीनेशन हो गया है क्या सिर्फ वही एग्जाम देंगे? ये जबरदस्त प्रश्न यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है कि जिनका वैक्सीनेशन यानी COVID-19 जो यहाँ पर चल रहा है पैंडमिक, उसके कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि क्या जिनका वैक्सीनेशन हो गया है वही सिर्फ एग्जाम देंगे? जी बिल्कुल नहीं, वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, लेकिन एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर देख लिया जाए इंपॉर्टेंट यूनिट, अगला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है। तो अगर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं तो लोअर बॉटनी और लोअर जूलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लोअर जूलॉजी और लोअर बॉटनी, इससे प्रश्न बौछार लगी रहती है प्रश्नों की। उसके साथ साथ जो कार्यिकी होता है यानी फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, इससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे चिक का, फ्रॉग का, और इसके बाद एम्फियाक्सिस, हर्डवानिया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप ये सारे यूनिट्स को बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन लोअर बॉटनी और लोअर जूलॉजी को बेसिक कॉन्सेप्ट आप बनाकर स्टार्ट करिएगा। अब इसके बाद देखिए, क्या टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2 दिन में होंगे? जी हाँ बिल्कुल 2 दिन में होंगे, 1 दिन आपके टीजीटी के होंगे और 1 दिन आपके पीजीटी के होंगे, अल्टरनेट हो सकता है। जैसे जिस दिन बायोलॉजी का टीजीटी का है उस दिन बायोलॉजी पीजीटी नहीं रहेगा, और जिस दिन बायोलॉजी अदर टीजीटी है तो उस दिन पीजीटी नहीं होगा, तो अलग अलग दिनों में ये परीक्षा होगा। तो इस प्रश्नों को आप लोग समझें
और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग 8858328618 पे, तो मुकेश मौर्य जी आपको बताएंगे बहुत अच्छे से क्लियर कट में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।